सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। चंचल हवाओं को ये हैं झोंके, इन्हें कौन बांधे इन्हें कौन रोके। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लेकर आया है आपके लिए एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 34 है, गाड़ी और पेट्रोल। प्रायः घर के व्यक्ति व्रत और नियम लेने से डरते हैं, उनके अंदर एक भय रहता है कहीं यह नियम व्रत हमारा टूट ना जाए, खंडित ना हो जाए, दोष ना लग जाए। पर वह व्यक्ति भूल जाते हैं हमें जीवन में कोई भी चीज हो उसमें सावधानी रखना पड़ती है। आप वस्त्र भी पहनते हैं तो दाग ना लग जाए सावधानी रखते हैं, यदि फिर भी लग जाते हैं उसकी सफाई होती है। ऐसे व्रतों का प्रतिक्रमण आदि होता है, प्राश्चित आदि होता है। जो व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि मैं कांच का सामान नहीं खरीदूंगा क्योंकि वह टूट जाएगा तो कभी वह कांच के सामान का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। यदि वह सोचेगा कि मैं वस्त्र पहनूंगा गंदा होगा फिर वह अच्छा अच्छा कभी वस्त्र पहन ही नहीं पाएगा, गंदा ही वस्त्र पहने रहेगा। वैसे जो व्यक्ति सोचे रहेंगे कि हम जीवन में व्रत नियम नहीं लेते क्योंकि टूट जाएंगे, फिर जीवन में वह कभी व्रत नियम ले ही नहीं सकते। वो तो बात ऐसी हो गई, किसी व्यक्ति ने कहा भैया मैं नदी में जब तैरना सीख जाऊंगा तभी पैर डालूंगा। अरे नदी में पैर डाले बिना तैरना कैसे सीखोगे? आपके लिए पहले नदी में पैर डालना पड़ेगा, तब पानी में पैर डालना पड़ेगा, तभी तो आप तैरना सीखेंगे, कि हवा में तो तैरना सीखते नहीं हैं। इसी प्रकार से व्रत नियम आदि लेंगे, उनका निर्दोष पालन करेंगे, यदि फिर भी कर्म को दोष लगता है तो उसका हम उसका संशोधन करेंगे, परिमार्जन करेंगे, गुरु महाराज के चरणों में उसका प्रायश्चित लेंगे। ऐसा एक प्रसंग है, किसी सज्जन ने आचार्य श्री शंका व्यक्त करते हुए कहा कुछ लोग व्रत लेकर के छोड़ देते हैं या उनके व्रतों में सफलता आ जाती है, ऐसा आचार्य किस कारण से होता है? तब आचार्य जी ने कहा इसमें मुख्य कारण तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है, दूसरा कारण स्वयं की पुरुषार्थहीनता भी हुआ करती है। कभी कभी व्यक्ति पुरुषार्थहीनता कर जाता है, व्रतों के प्रति सजग नहीं होता, जागरूक नहीं होता, इसलिए भी इस प्रकार का काम हो जाया करता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल शोरूम पर जाकर के उत्साह के साथ खरीदता है, खरीद करके वो ले आता है, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डला रहता है, कुछ दिन बाद वह पेट्रोल खत्म हो जाता है, वह सोचता है मेरी गाड़ी बिगड़ गई। वो अपनी गाड़ी को फिर पुनः शोरूम पर ले जाता है, कहता है भाई हमारी गाड़ी बिगड़ गई, चल नहीं रही। वह कहता है भाई बताना देखा ना, वह देखता है, वह कहता है भाई आपकी गाड़ी बिगड़ी नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया है, आप पेट्रोल भराइएगा, अपनी गाड़ी को आराम से चलाइएगा, कंपनी वाला एक बार पेट्रोल दे सकता है थोड़ा बहुत, बार बार नहीं देता, पेट्रोल तो आपको ही खरीदना पड़ता है। बस आचार्य जी ने ऐसा उदाहरण देते हुए कहा, उसने पेट्रोल भराया, उसकी गाड़ी जिंदगी भर अच्छे से चली। बस यही आचार्य जी कह रहे हैं कि व्रत एक गाड़ी है, व्रत एक गाड़ी है जिसे जीवन में एक बार खरीदना पड़ता है, लेकिन उसमें पेट्रोल अर्थात साधु संगति, स्वाध्याय, बारे भावना का चिंतन, संसार का चिंतन, यह बार बार करना पड़ता है। और व्रत की पांच पांच जो भावनाएं तत्व सूत्र में दी गई हैं उनको बार बार पढ़ो, पढ़ने से क्या होता है, ये सब व्रत रूपी गाड़ियां पेट्रोल का काम करते हैं, सर्विसिंग हो जाती है, पेट्रोल भरा जाता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जैसे आपकी गाड़ी में रिजर्व लगता है आप पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, वैसे जैसे आपको लगे कि मुझे व्रतों को पालन करने में कठिनाई जा रही है या बैराग कम पड़े तो साधु की संगति करो, स्वाध्याय करो, बैराग भावना पढ़ो। ये सब गुरु महाराज हम सभी को समझा रहे हैं कि संस्मरण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्रत नियम लेने के बाद गुरु के पास आते जाते रहना चाहिए एवं बैराग भावना स्वाध्याय आदि निरंतर करते रहना चाहिए। धन्य है गुरुदेव जो हम सभी के लिए एक सहारा बन करके, संबल बन करके सब चीजों का समाधान करते हैं। तो गुरु ही विश्व में फैलाते उजाले हैं, गुरु ही भवजल का दिखाते किनारे हैं,
होते हैं माता पिता मित्र तुल्य गुरु, संसार में गुरु ही सबसे बड़े सहारे हैं, संसार में गुरु ही सबसे बड़े सहारे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्ते करता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।